वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई ने अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा जारी इन निर्देशों का विरोध किया। साथ ही साथ प्रदेश जो सचिव है कुलदीप बिश्नोई, उनके नेतृत्व में यहां अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ नारेबाजी भी की गई। उन्होंने कहा कि हम हर हाल में छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दिखाते हैं हम आपको उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन के संपादित अंश। भारत सरकार मुर्दाबाद, 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 भारत सरकार मुर्दाबाद, 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 चाहे तो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। मानव संसाधन मंत्री मुर्दाबाद, 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 मानव संसाधन मंत्री मुर्दाबाद। प्रदर्शन के बाद में हमने कुलदीप बिश्नोई से की बातचीत। यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध करती है। यूजीसी की गाइडलाइन में लिखा है कि आप फाइनल ईयर के एग्जाम कराएं। जब राजस्थान सरकार ने सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया तो फाइनल ईयर के एग्जाम क्यों करवाना चाहते हैं वो? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को कोरोना हो रहा है और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को कोरोना नहीं होगा? हम सब मिलकर पूरी एनएसयूआई, भारत की एनएसयूआई मिलकर इस गाइडलाइन का विरोध करती है और भारत सरकार का विरोध करती है। भारत सरकार हमेशा छात्र विरोधी रही है, उसने छात्रों के हित में कभी कोई फैसला नहीं दिया।